हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीडियो लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस 2। हम लोग कर रहे हैं फोर्स मेथड, या फिर इसको फ्लेक्सिबिलिटी मेथड भी कहते हैं, या फिर इसको कॉम्पैक्टिबिलिटी मेथड भी कहते हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हम लोग बीम्स के लिए देख चुके हैं, और हमने एक फ्रेम का क्वेश्चन भी लिया था जहाँ पर हमने सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए सीखा था। यहाँ पर हम लोग पूरे एक फ्रेम को एनालाइज करना सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया आपको, एनालाइज द फ्रेम बाय फोर्स मेथड, और यहाँ पर ए से बी 5 मीटर है, बी से सी 4 मीटर है, सी से डी 2 मीटर है, और बी से सी आपको यूडीएल दिया है 10 किलो न्यूटन का, और बी पर एक पॉइंट लोड है 20 किलो न्यूटन का। तो चलिए सबसे पहले इसका काम होता है, हमको डीएस फाइंड करना होता है। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंटरमिसी ऑफ फ्रेम्स कितना होता है, 3 × मेंबर प्लस रिएक्शन माइनस 3 × जे प्लस ए, ये आपका फॉर्मूला होता है। लेकिन ए यहाँ पर 0 हो जाएगा क्योंकि नो इंटरनल हिंजेस। तो फिर ये हो गया 3 × मेंबर कितने हैं, 1, 2, 3, प्लस रिएक्शन कितने हैं, यहाँ पर 3 रिएक्शन आएगा, यहाँ पर एक ही रिएक्शन आएगा क्योंकि ये रोलर है। तो 3 + 1, 4, 4 रिएक्शन हो गए आपके, माइनस 3 × जॉइंट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो 4 जॉइंट है, तो दैट इज इक्वल्स टू 1। तो आपका डीएस आता है 1। डीएस 1 आता है मतलब क्या है, यहाँ से हमें एक रिएक्शन को हटाना पड़ेगा तब जाके ये डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर बनेगा। तो हम लोग इसको हटाएंगे, ये रिएक्शन को हटाएंगे और इसको कोऑर्डिनेट दे देंगे 1, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसको असाइन कर देंगे। अब हमें एक नया डायग्राम बनाना है जो कि इस रिडंडेंट को हटाना है, रिमूव द रिडंडेंट एंड रीड्रॉ द डायग्राम। चलिए ये हमारा डायग्राम हो गया, रिमूव द रिडंडेंट एंड रीड्रॉ द डायग्राम। तो यहाँ पर हमने सिर्फ रिडंडेंट को रिमूव किया और डायग्राम को बनाया। ये हमारा डायग्राम होता है, रिमूव ऑल एक्चुअल लोड्स एंड अप्लाई यूनिट लोड एट कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, तो जो हमारा कोऑर्डिनेट है उसको एक डायग्राम पर रखना है और उसको यूनिट लोड देना है। तो जो कोऑर्डिनेट हमने हटाया था वही कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पर लगाएंगे और इसको इंटेंसिटी देंगे 1 किलो न्यूटन। लेकिन यहाँ पर बाकी कोई लोड्स नहीं होगा, ऑल एक्चुअल लोड्स को हमें रिमूव करना है। तो ये होता है हमारा कैपिटल एम का डायग्राम, ये होता है हमारा M1 का डायग्राम। तो चलो अभी कैलकुलेशन पार्ट की तरफ चलते हैं। हमें यूनिट लोड का टेबल बनाना है और उसको सॉल्व करना है। इससे आपका टेबल बनेगा, मेंबर, ओरिजिन, लिमिट, कैपिटल एम और M1, ठीक है। तो चालू करते हैं हम लोग मेंबर। तो यहाँ पर हमने पिछली बार आपको बताया था, अगर हम लोग इस फिक्स्ड सपोर्ट का रिएक्शन नहीं कैलकुलेट कर रहे तो हमें उल्टे डायरेक्शन से आना पड़ेगा, मतलब DC, CB, BA। अगर आपको इसका रिएक्शन कैलकुलेट करना है तो आप कर सकते हो, तो फिर आप AB, BC, CD इस डायरेक्शन में जा सकते हो। तो क्यों हम लोग खाली फोकट का रिएक्शन कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट करेंगे, हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम लोग उल्टे साइड से भी जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग उसी साइड से जाएंगे, DC से जाएंगे। तो सबसे पहले DC ओरिजिन लेंगे, D को, अब DC का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है, तो ओरिजिन, तो लिमिट हो गया 0 से 2। कैपिटल M में देखेंगे तो ओरिजिन D को पकड़ा, तो कंसिडर सेक्शन XX फार अवे फ्रॉम ओरिजिन एट ए डिस्टेंस X, तो D पे कुछ है क्या, नहीं है, तो 0 हो गया। अब यहाँ पर देखो, कंसिडर सेक्शन XX फार अवे फ्रॉम ओरिजिन एट डिस्टेंस X, यहाँ पर 1 किलो न्यूटन है लेकिन वो एक्सेल लग रहा है, तो एक्सेल हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि 1 × डिस्टेंस कुछ नहीं है इसको, तो 1 × 0, 0, तो यहाँ पर ये भी हो गया 0। तो चलो अभी नेक्स्ट हम लोग जाएंगे CB की तरफ, CB ओरिजिन लेंगे हम लोग C को, अब CB का डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर, तो लिमिट हो गया 0 से 4। कैपिटल M में देखो, सबसे पहले हमने ओरिजिन लिया था C, तो कंसिडर सेक्शन XX फार अवे फ्रॉम ओरिजिन एट ए डिस्टेंस X, तो यहाँ पर DC CB इस साइड से आना है देखते हुए, तो यहाँ पर DC में तो कुछ नहीं है, CB में एक UDL है, तो UDL को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं तो वो नीचे जाता है। साइन कन्वेंशन आपको पता है ना, दोनों साइड से ऊपर जा रहा है तो वो पॉजिटिव होता है, वैसे ही सेम दोनों साइड से नीचे जा रहा है तो नेगेटिव। तो यहाँ पर UDL को कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट लोड नीचे जाएगा, तो माइनस टेन, लेकिन UDL का डिस्टेंस कितना है, X, तो -10 × X, लेकिन UDL एक्ट कहाँ पर करता है, L/2 मतलब X/2, तो X/2, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट यहाँ पर X²/2 लिख सकता हूँ, ठीक है ना, 10 × X²/2, इस तरीके से ये UDL का हो गया। अब सेम केस यहाँ पर, कंसिडर सेक्शन XX एट ए डिस्टेंस X फ्रॉम ओरिजिन, सबके लिए हमने ओरिजिन C पकड़ा है, तो यहाँ से चलते हुए आना है हमको, तो यहाँ पर 1 किलो न्यूटन है, तो 1 किलो न्यूटन परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इस सेक्शन XX से, X डिस्टेंस पर है, तो ये हो गया 1 × X, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस का साइन है, ठीक है। तो CB भी हो चुका हमारा, अब चलते हम लोग BA की तरफ,
बी ए, ओरिजिन लेंगे हम लोग बी को। अब बी ए का डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पर देखो बी ए का डिस्टेंस है 5 मीटर, तो 0 से 5 लिमिट हो गया। तो हमें डी सी सी बी बी ए इस साइड से आना है। तो ओरिजिन हमने बी पकड़ा, तो कंसिडर सेक्शन एक्स एक्स फार अवे फ्रॉम ओरिजिन एट ए डिस्टेंस एक्स। तो क्या क्या आ रहा है, डी सी पे कुछ है क्या, नहीं है। यहाँ पर यूडीएल है, तो यूडीएल लिख दो सबसे पहले। यूडीएल को पॉइंट क्लाउड में कन्वर्ट करेंगे तो वो नीचे जाएगा, ठीक है ना, इसलिए -10। लेकिन यूडीएल कितने इस पर है, 10 × 4, तो 10 × 4। लेकिन यूडीएल एक्ट कहाँ पर करता है, L/2। अब L कितना है, 4, तो 4/2 कितना हुआ, 2, तो × 2। ये हो गया आपका यूडीएल, ठीक है, यूडीएल के लिए। अब यहाँ पर 20 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड भी है, तो वो नीचे जाएगा। तो नीचे जाएगा मतलब -20। अब इस 20 का डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेक्शन एक्स एक्स कितना है, एक्स डिस्टेंस पे है, तो एक्स डिस्टेंस, तो यहाँ पर 20 × x कर दो, तो यहाँ पर हो गया आपका। आप M1 के डायग्राम में चलो, कंसिडर सेक्शन एक्स एक्स फार अवे फ्रॉम ओरिजिन एट ए डिस्टेंस एक्स। तो ये 1 किलो न्यूटन इस सेक्शन एक्स एक्स से कितनी दूर है, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, BC का डिस्टेंस आएगा, तो BC का डिस्टेंस कितना है, 4। अब ये 1 ऊपर जा रहा है, इसलिए प्लस का 1, और इसको डिस्टेंस कितना है, 4, तो 1 × 4। तो यहाँ पर आपका टेबल हो चुका है। अब आपको मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो डेल्टा मैट्रिक्स सिर्फ यहाँ पर M1 ही है, तो F11 1 × 1 का मैट्रिक्स बनेगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो F11 निकालना है हमको। F11 का फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से L M1 का स्क्वायर अपॉन EI dx। तो चलो इसको सॉल्व करो। 1 अपॉन EI पहले ही बाहर ले लो। इंटीग्रेशन DC का कहाँ से कहाँ तक, DC तो लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 0 है, तो M1 केस में वो 0 हो जाएगा। हम लोग CB से चालू करेंगे, 0 से 4 हमको देखना है। M1 में x का स्क्वायर x लिखेंगे, और स्क्वायर क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में M1 का स्क्वायर है। तो DX प्लस इंटीग्रेशन जाते हैं हम लोग BA के लिए। BA कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 5, इसके M1 में क्या है, 4, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा DX। यहाँ तक खत्म। तो इसको सॉल्व करो, F11 मिल जाएगा आपको, जो कि इंटीग्रेशन 0 से 4 एक्स का स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन 0 से 5 4 का स्क्वायर, दैट्स इक्वल्स टू F11 इक्वल्स टू आता है 101.33, ठीक है। अब हमें DO1L की भी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पी मैट्रिक्स इक्वल्स टू, पी मैट्रिक्स इक्वल्स टू डेल्टा मैट्रिक्स का इनवर्स, और मल्टीप्लाई में होता है डो, जो कि यल्डिंग होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में यल्डिंग का कुछ काम नहीं है, लेकिन फॉर्मूले में तो लिखना पड़ता है। और यहाँ पर डो एल का भी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डो एल भी फाइंड करना है, तो चलो डो एल फाइंड करते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है, DO1L, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ M1 है, तो DO1L। M2 होता तो DO2L भी करना पड़ता, M3 होता तो DO3L भी करना पड़ता। जितना M1 M2 M3 रहेगा उतना DO करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 0 से L, ये 1 मतलब कैपिटल M के साथ M1 का मल्टीप्लाई, कैपिटल M के साथ, ठीक है ना, DX। तो यहाँ पर चलो सब 1 अपॉन EI पहले ही यहाँ से बाहर ले लो, मैं नीचे सॉल्व करता हूँ। 1 अपॉन EI पहले ही बाहर ले लो। इंटीग्रेशन चालू करेंगे हम लोग CB से, क्योंकि देखो ये 0 × 0 तो 0 हो जाएगा, तो CB से चालू करेंगे। कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 4 तक। सबसे पहले M में क्या है, -10 × x² / 2, और M1 में क्या है, × x dx प्लस प्लस इंटीग्रेशन जाते हैं हम लोग BA के लिए, 0 से 5। सबसे पहले देखो M में क्या है, कैपिटल M में -10 × 4 × 2 -20 x। तो ये हो गया आपका M का ब्रैकेट, और इसको मल्टीप्लाई में जाएगा M1 का ब्रैकेट, जो कि है 4, ठीक है। इसको सॉल्व करो DX करके, आपको मिल जाएगा DO1L। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 से 4, यहाँ पे क्या क्या है, -10 × x² × x² / 2, और पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है x, और उसके बाद दूसरा इंटीग्रेशन 0 से 5 -10 × 4 × 2
माइनस 20x है और ब्रैकेट क्लोज और बाहर है मल्टीप्लाई में 4, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 2920 अपॉन ई आई, ठीक है ना। यहाँ पर भी अपॉन ई आई करना था क्योंकि 1 अपॉन ई आई हमने बाहर लिया है, तो यहाँ पर आके आपको डो 1L। तो चलो सॉल्व करते हैं, चलो इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पर P1 सिर्फ A की कोऑर्डिनेट है, इसलिए P1 का मैट्रिक्स, इसके बाद डेल्टा का मैट्रिक्स होता है, डेल्टा का हमारे पास एक ही मैट्रिक्स है जो कि F11 है, तो F11 की वैल्यू कितनी है, 101.33। इसको करना पड़ता है इनवर्स और मल्टीप्लाई में होता है ये डो, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि यल्डिंग का कुछ काम नहीं है यहाँ पर, लेकिन फॉर्मूले में तो लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर डो एल हमने कैलकुलेट किया था, डो 1L एक ही 1 आएगा क्योंकि एक ही कोऑर्डिनेट है, तो उसका वैल्यू है -2920 और ब्रैकेट क्लोज और एक कंप्लीट ब्रैकेट क्लोज। तो ये 1 × 1 का मैट्रिक्स है, तो डायरेक्ट हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैट्रिक्स की जरूरत नहीं है, इक्वेशन के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आएगा 101.33 का इनवर्स मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के अंदर माइनस, फिर एक और ब्रैकेट के अंदर -2920, दो ब्रैकेट क्लोज, दैट इज इक्वल्स टू P1 की वैल्यू आ गई यहाँ से आपको 28.81 किलो न्यूटन, ठीक है। अब ये P1 की वैल्यू आपको डायग्राम में पुट करनी है, तो चलिए डायग्राम को हम रिड्रॉ करेंगे। डायग्राम को रिड्रॉ किया तो हमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट का आंसर मिला है जो कि P1 का आंसर है, तो ये आंसर पॉजिटिव में, मतलब ये वाला अजम्पशन करेक्ट है। तो यहाँ पर इसका आंसर आया है 28.81। अब हमारा काम क्या होता है, यहाँ के अननोन फाइंड करने। तो यहाँ पर क्या क्या अननोन आएगा, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक मोमेंट। तो अब मैं ये मोमेंट का डायरेक्शन नहीं दूंगा क्योंकि आंसर के हिसाब से इसका डायरेक्शन देना होता है हमें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समेशन FY=0, ऊपर जाने वाले पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखो ये वी ए ऊपर जा रहा है, तो प्लस का वी ए, ये 28.81 ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस का 28.81, ये यूडीएल नीचे आएगा इसलिए -10 × 4। और कुछ है क्या वर्टिकल में, नहीं है, इक्वल टू 0, यहाँ से वीए मिल जाएगा एक्स प्लस 28.81 -10 × 4 इक्वल्स टू 0, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ से वीए आ गया आपको 11.19 किलो न्यूटन, लिख देना ठीक है यहाँ पर किलो न्यूटन। तो यहाँ पे लिख दो वी ए की वैल्यू 11.19। अभी हमें एच ए कैलकुलेट करना है, तो समेशन FX=0, लेफ्ट टू राइट वालों को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक ही 20 का है, इस साइड एक 20 जा रहा है तो इस साइड ये 20 लगेगा, ठीक है ना। अगर आपको चाहिए तो मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ, देखो ये एच ए, तो मैंने यहाँ पे 20 लिखा, ये हमारा नेगेटिव का डायरेक्शन है एच ए का, तो माइनस एच ए, ये 20 पॉजिटिव का डायरेक्शन में, +20=0, तो यहाँ से एच ए को बाहर निकालो, एच ए इक्वल्स टू पॉजिटिव का 20 मिलेगा, मतलब जो हमने एजम्पशन करेक्ट किया है वो करेक्ट है, तो ये एच ए हो गया 20। अब यहाँ पर मोमेंट भी अननोन है, तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल्स टू 0, क्लॉकवाइज जाने वालों को पॉजिटिव, ठीक है। अभी हम लोग इसको क्लॉकवाइज कंसिडर कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पर मार्क तो नहीं किया है, लेकिन समझ जाइए कि ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज है, ऐसा आप समझ लो। तो यहाँ पर मोमेंट अबाउट ए एम ए क्लॉकवाइज लिया मतलब पॉजिटिव, और क्या क्या आएगा यहाँ पर 28.18 एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा इसलिए -28.81। इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है जो कि है 4 मीटर, तो × 4, यहाँ पर और कुछ है क्या, यूडीएल है, तो यूडीएल कितना होगा, यूडीएल देखो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो यूडीएल नीचे जाएगा, नीचे जाएगा मतलब वो क्लॉकवाइज घूमेगा, इसलिए प्लस का 10, लेकिन यूडीएल का डिस्टेंस होगा 10 × 4, लेकिन यूडीएल एक्ट कहाँ पर करता है, L/2, L/2 मतलब 4/2, 4/2 मतलब 2, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर 20 भी है, तो 20 देखो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, ए से देखना है ना हमको, तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा इसलिए प्लस का 20, लेकिन 20 का डिस्टेंस फ्रॉम ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, तो 20 × 5 इक्वल्स टू 0 कर दो, आपको मोमेंट अबाउट ए का आंसर मिल जाएगा। तो चलिए एक्स -28.81 × 4 +10 × 4 × 2 +20 × 5 इक्वल्स टू 0, दैट इज इक्वल्स टू, देखो आपको मोमेंट अबाउट ए जो आपका एम ए है वो नेगेटिव में आया 64.76।
नेगेटिव में आया मतलब हम लोग क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे थे तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ गया। नेगेटिव आया मतलब साइन चेंज करना है, तो हमको एम ए नेगेटिव आया, यूनिट दे देना किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर हमने क्लॉकवाइज कंसिडर किया था, लेकिन अभी हमको एंटी क्लॉकवाइज का साइन देना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने पहले क्लॉकवाइज को मार्क नहीं किया था, क्योंकि उसको कट करना पड़ता अगर आंसर नेगेटिव में आता। तो ये आंसर हमारा नेगेटिव में आया, तो नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमने एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन दे दिया। तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, इसका वैल्यू है 64.76, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सोल्यूशन पार्ट कंप्लीट होता है। ये आपका पूरा का पूरा फ्रेम एनालाइज हो गया थ्रू द मेथड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।